नाज़रीन ये अपने बारे में बता रही है, बुखार भी है और जिस्म में दर्द है और दाढ़ों को भी दर्द है, रात को से भी दर्द हुआ इसको। नहीं असल में ना रात ही ये अब शिकायत लगा रही, मेरी शिकायत लगा रही, कह रही मुझे दवाई लेकर नहीं देता। ऐसा है सुनते हैं नाज़रीन, हम इनशा आपको भी कहेंगे दवाई जैसे लेके आएंगे तो आपको हम बता अपना वीडियो में आपको कोशिश करेंगे तो हम आप नहीं दिखा सकेंगे, नेक्स्ट अगली वीडियो में दिखाएंगे कि दवाई लेकर आते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे और बेहतरी अता करे और खुशियाँ दे आपको। नाज़रीन हमारी और भी दुआएं बहुत सारी हैं, हर वक्त सब दुआएं करते रहते हैं, कहने की जरूरत नहीं होती, जिन्हें जानते हैं उन्हें भी दुआ करते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको सलामत रखे, तमाम की परेशानियाँ दूर करे। और यहाँ आमिर हुसैन के लिए यूके से हैं आमिर हुसैन भाई, उनके लिए दुआ है अल्लाह आसानियाँ बना करे, उनकी तमाम परेशानी दूर करे, वादा साहबा की भी परेशानी दूर करे, उनकी तमाम घर वालों की परेशानी अल्लाह दूर कर दे, उनके लिए कोशिश करके आप लोगों को दुआ करनी है। और बेहतरीन आकर देखा मेरे जाना आज वो रस्सी की बना रही है, लेकिन जाने जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है, रमज़ान में आज पहली दफ़ा हमने इजाफी चिकन, यानी इजाफी से हमारा इजाफी तो है नहीं, अगर देखा जाए तो हमारे पूरे अफराद जितने घर के 9 अफराद हैं, 2 मियाँ बीवी, 7 हमारे बच्चे हैं, ठीक है जी। लेकिन ये चिकन आज जो बन रहा है ये 1.5 kg हम लेके आए थे, 1.5 kg क्या है कुछ भी नहीं, अगर देखा जाए तो वैसे तो अकेले खाने में है तो मैं अकेला भी खा जाऊँगा, शादी में जाए तो वहाँ बना खा ही जाता है ना, तो साथ हम भिंडी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो आपके सामने और आपने हमारा भी लोग थोड़ा देखना है, और बेगम मेरी को तकलीफ है उसके बावजूद वो काम कर रही है। नाज़रीन देखें आज रमज़ान मुबारक में पहली बार इतना बड़ा चिकन हम पका रहे हैं, 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलो हमने लिया है, 1.5 किलो, और साथ ये भिंडियाँ इस्तेमाल करेंगे हम, साथ भिंडियाँ बेगम मेरी बैठी है, और बच्ची जो है ना निकाल के उस तरफ वो तेल में इसको पता नहीं घी में तल रही है, पहले तलना चाह रही है, अभी नरम हो जाएगी उसके बाद, और इसको जो तरीका समझ आ रहा होगा करती बेगम मेरी अपने अंदाज से करती है। देखिए नाज़रीन इसको थोड़ा थोड़ा दर के करके तला जा रहा है, बोटियों को ना चिकन को तला जा रहा है, अब बच्ची को जो समझ आती होगी इसकी माँ और तरीके से पकाती है, ये कहती नहीं मैं अपने तरीके से पकाना है, और मेरी बड़ी बेटी है आज पहली दफ़ा जो है इसको कैमरे के सामने हम दिखा रहे हैं, और ये अपना समय देखे रेड कलर किसको भून रही है, और अब तैयारी की हमारी तैयारी हो रही है। नाज़रीन देखें बेगम मेरी तकलीफ के बावजूद, बुखार के बावजूद, जिसम में कमज़ोरी के बावजूद हमारे लिए क्या कुछ मेहनत कर रही है। देखें आज भिंडियाँ और उसकी कटाई कर रही है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बीच में फौरी तौर पर इसको काट कैसे रखी जा रही है, लंबी लंबी ये भी बीच में पक गया, हाँ ये छोटी है, कह रहा है ये छोटी है, छोटी है। दरअसल नाज़रीन हम रहते हैं विलेज के अंदर, गांव के अंदर, यहाँ डॉक्टर आते हैं शाम को मगरब को, ठीक है जी, अफ्तारी के बाद वो यहाँ पहुँचता है, अफ्तारी के वक्त जो बरल आ जाता है, अफ्तारी के वक्त अफ्तारी करेगा, उसके बाद वो मार्ग पर के फिर आके पेशेंट को देख उनकी चेकअप करता है, पेशेंट को देखता है, तो हम इसको इंशाल्लाह ले जाएंगे, लेकिन यह कि ये वीडियो पहले अपलोड हो जाएगी, लेकिन रात को जब इसको तकलीफ हुई, तकरीबन उस वक्त गलबा कोई 11-12 का टाइम था, मुझे उठाया और फिर मैंने इसको दम किया उस वक्त, ठीक है जी, और दम किया था ना तो बेहतरी हो गई इसके लिए, कह रही है रात भर रोती रही हूँ, कह रही है रात भर रोती रही बता रही है आपके सामने देखें। नाज़रीन देखा जाए तो यकीन जाने के अखराजात हों तो बच्चों को खुराक पूरी दी जा सकती है, वसेल हों तो अखराजात हों तो बच्चों को खुराक पूरी दी जा सकती है। अब देखें कि ये बोटियाँ 1.5 किलो में यानी कि गोश्त लेके आ रहा था आया था तो उसको तल रहे थे, और जबकि अब देखा जाए आमना जिनको रोज़ा नहीं था, ऐशा भी, और इसके अलावा बकर जो है वो उधर जनाब साइड पर है लेटा हुआ है नवाबों की तरह, और उसकी माँ खुश हो रही है, और ये देखे पीछे देखा जाए तो यकीन जाने कि आप 1 किलो भी नहीं बच रहा, यानी कि 1 किलो भी जो हमारी यानी कि बोटियाँ बचती हैं कच्ची, चलो कच्ची का हिसाब लगाया जाए तो 1 किलो बच गया होगा, नहीं वो भी नहीं बच रहा, यानी कि कहने का मकसद ये था कि मुझे ये इतराज़ नहीं है कि भाई बच्चे ना खाए, बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए है अलहमदिल्ला,
लेकिन वो सेल हो तो हम इनको डेली खुराक अच्छी दे सकें, डेली खुराक अच्छी दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। और मेरी बड़ी बेटी जो है ना आटा गूंद रही है और माँ की हेल्प कर रही है, हालांकि बेगम मेरी बीमार है उसके बावजूद ये काम कर रही है माशाल्लाह। नाज़रीन देखें, अब ये भिंडियाँ जो है ना उसी घी के अंदर जो तेल में चिकन को तला गया था उसी में ये भिंडियाँ डाल दी गई हैं। 1 kg ये भिंडियाँ थी हमारी और ये सारी की सारी इसमें डाल दी गई हैं। अब इसको बीच में जो है ना इसको भी तलेगी घी के अंदर, घी मेरे ख्याल कम हो रहा है बीच में वल्लाह इलम, इसको भी तलेगी। तलने के बाद जाके फिर जो है अपना सालन जैसे बनेगा आपको मुकम्मल हम दिखाएंगे। और नाज़रीन देखें, वसेल हों तो सारा कुछ हो सकता है, सारी बात। बच्चों को खुराक अच्छी मिल सकती है, यकीन जाने आज बच्चों ने जो है, अब ये जो 1.5 kg था ना गोश्त, उसमें तकरीबन जो है ना 0.5 kg बच गया, बाकी ऊपर से तला हुआ बच्चों ने ऐसे ही खा लिया है, ऊपर से ऐसे ही खा लिया बच्चों का, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जो उनको रोज़ा नहीं था, बकायदा लड़ रहे थे। मैं आपको कैमरे में मंजर नहीं दिखा सका, बकायदा वहाँ से लड़ रहे थे कि दो बड़ी मुश्किल से हमने उनको रोका है। कहने का मकसद ये था कि अगर हमारे पास वसेल हो तो हम बच्चों को खिलाएँ ज़रूर खिलाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने दिया तो ज़रूर खिलाएँगे। लेकिन ये देखें आपके सामने वो खामोशी के साथ अपना काम कर रहे, उसको कोई पता नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं। और ये मेरा वक्र आ गया देखें जी, अब ये माँ के पास जाके पता नहीं क्या कहता है। अब वक्र क्या करना है, अब कैमरा आना है, वरना इसने कहना था कि मुझे बोटी दो, ठीक है जी, कैमरा आना इसलिए खामोश है। नाजरीन देखें, ये वो चिकन है जो 1.5 kg में लाया था, लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे ये 0.5 kg है, 0.5 kg यानी टोटल कच्चे में से। बाकी बच्चे जो है ना जैसे जैसे बेगम मेरी वहाँ तल रही थी, ये वहाँ से लेके खाई जा रहे थे, क्योंकि रोज़ा बच्चों को छोटों को नहीं थे और बेगम को भी जो है ना रोज़ा नहीं था, उसकी वजह कि ये बीमार है, तकलीफ़ है उसको, इसलिए ये रोज़ा नहीं रख सकी। अब इसकी इफ्तारी के बाद दवाई भी मैंने लेनी है, लेकिन आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं, मैं आप इसमें से एक बोटी जो है खुद उठा के, ये छोटे वाली ये देखें, मैं इधर कोली में अलग रख रहा हूँ, इफ्तारी के टाइम मैं इसको टेस्ट करूँगा ये टेस्ट कैसा है, ये कैसा। अब बच्चे जो है ना अभी भी कह रहे हैं कि हमें ये दे दो हम खा जाएंगे, मैंने खाना तो इन्होंने यहाँ, लेकिन वो भिंडियाँ जो बनाई है उसमें ये जैका नहीं रहेगा, जैका ख़त्म हो जाएगा, भिंडियों में जैका देना ताकि ये थोड़ी सी टेस्टी हो जाएंगी। और ये भिंडी भी बड़ी यानी कि अपना देखें महंगी जो है वो हम लेकर आए हैं, क्योंकि असल में अच्छी सब्ज़ी ना खाएं तो फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन देखें, ये ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की हमारे घर में डिश बन रही है, जो वैसे तो चिकन पकता रहता है, भिंडियाँ भी पकती रहती है, लेकिन इस तरह की जो आज तरीकाकार अपनाया गया है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ, पहली बार ऐसा। चिकन को अलग तला गया, भिंडियों को अलग उसी घी में तला गया, फिर उसी घी के अंदर जो बचा हुआ था उसमें आप प्याज और टमाटर का जो है ना ग्रेवी वो छिड़का दिया जा रहा है, बेगम दे रही है, और इसके बाद पता नहीं क्या करना आगे मुझे नहीं मालूम, पर वो भी हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन देखिए, बड़ी बेटी चटनी बना रही घर में, आज हम चटनी भी अपनी ज़ाती पहली दफ़ा बना रहे हैं, वरना बाहर से जाके बाज़ार से लेके आते थे, यानी कि जो समोसे पकौड़ों के साथ जो मिलती थी वो समोसे या रोल लेके आते थे उसके साथ जो मिलती थी वही चटनी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज चटनी हम अपने घर में पहली दफ़ा खुद बना रहे हैं इस रमज़ान में। बेगम ने वो चिकन को बीच में डाल दिया है और जब ये हम खाएंगे यकीन जाने मुझे तो ये लग रहा है कि बच्चे फिर लड़ेंगे और इनको शायद एक एक बोटी भी ना मिले। आप देखिए आमना हमारी तरफ ऐशा बैठी है, फातिमा और ये ऐशा रही, और बेगम साथ ये बना रही है और इसकी दवाई भी लेके आनी है। देखिए नाजरीन, अब जो है वो बाकी हो गया है काम, अब भिंडियाँ बेगम मेरे ऊपर डालने जा रही है, लेकिन मुझे ये लगता है जैसे कि प्याज और टमाटर कच्चे रह गए हों, टमाटर और प्याज कच्चे रह गए हों, लगता है मुझे ऐसा ही है, क्योंकि दरअसल मैं टांग उतार के बैठा हूँ। बेगम कह रही है बेटा ये देख लीजिए, देश की उठा के दो, इधर से देश की छोटे वाली दो, ये उठा कर दो, देखिए वो बच्चों को समझा रही है। दूध लेके आया हमारा बिलाल, ये दूध भी लेकर आ गया माशाल्लाह जी, अफ्तारी का टाइम भी होने जा रहा है और ये दूध लेकर आ गया है, वो रही बाल्टी दूध की वो रख दी गई है। हाँ जी वालेकुम सलाम जी, सलाम किया इसने माशाल्लाह, आपके सामने देखे जी। देखिए नाज़रीन, हमारा सालन हो गया मुकम्मल, बेगम उसको घर से निकाल के रेसिपी से यानी कढ़ाई से बेटा करीब जाओ, ये निकाल के उस रेसिपी में डाल रही है, जब मुकम्मल हो गया अब इस कढ़ाई को सेट कर देंगे, इसको सेट पे कर देंगे, जो कढ़ाई के बीच में बनाया तो आटा भुना पड़ेगा, आटा भी ज़्यादा मला जाएगा, और आटा तो मला हुआ है रोटियाँ पकड़ी जाएगी, और अब
नाजरीन अब तैयारी का वक्त करीब हो चुका है, बिल्कुल ही हम दुआ मांगते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सम्तो वाबिका आमन्तो वालैका तवक्कलतो वाला रिज़्क़का अफ़्तरतो। नाज़रीन बेगम मेरी को तो रोज़ा नहीं देखा, हम उनसे भी दुआ मंगवाएंगे और रोज़ा हम खोल लेते हैं। मैं तो दुआ भी मांगे क्योंकि रोटी लगा रही साथ साथ, तो रोजानों की भी आवाज आने लगी माशाल्लाह। मैं अपनी को खजूर का स्वाद के लिए भी शामिल हो जाए दे दी है। लो जी ये ले, अब वो भी खा रहे सवाब की खातर, वो भी शामिल हो जाएगी। तो नाजरीन अब जब खाना हम खाएंगे वो क्लिप इंशाल्लाह इसमें ऐड कर देंगे। बाकी दुआ मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे दुनिया और आखिरत की भलाई दे। नाजरीन मैं अब ये खाना खाने लगा हूँ, आपको ये दिखाते हैं कि कितना टेस्टी बना है। और उस तरह की डिश जो बनाई है वो मैं आज पहली दफ़ा खाने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मोहब्बत से हुआ ही है। रोटी बहुत शदीद गरम है, रोटी शदीद गरम है। ताज़ी तंदूरी पर रोटी उतारी है बेगम ने, तंदूरी रोटी लगाई है माशाल्लाह। मैं अगर मजीद दीवारा छोटा करता हूँ, पहले भी छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन गर्म है, ठंडा कर लो। और आप लोगों ने हमारी सपोर्ट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाँ, जैसे मैंने बताया था बेटा, ज़रा करीब से दिखाओ कि शायद लैट बालो इसकी लैट, शायद एक एक बोटी आए, यानी कि ये देखें एक बोटी मेरी तरफ आ गई और इसी तरह शायद बच्चों को भी मिली है या नहीं मैं मालूम करता हूँ। बहरहाल आप ये निवाला खा के उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह टेस्टी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सलाह मैं तो बनाते बनाते देखो, वो तो उसकी ऐसी हालत होगी जैसे जैसे बेहोश हो जाती है, उसकी ऐसी हालत होगी जैसे बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह खैर कर, अल्लाह सेहत से। अभी मैं इंशाल्लाह फौरन इस वीडियो के बाद गौरव दवाई लेने जाऊंगा और वहां से आपको क्लिप इंशाल्लाह इनका दिखाएंगे। नाजरीन मैंने चिकन की एक बोटी रखवाई थी छोटी सी, ये देख रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब इसको खा रहा हूँ, इसका टेस्ट देखते हैं टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त टेस्ट है। और जिंदगी में मैंने भी और मेरे बच्चों ने इस तरह की डिश पहली दफा खा रहे हैं। चिकन तो खाते रहते, ये बात नहीं कि हम नहीं खाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह खाते रहे, लेकिन जिस तरह आज डिश बनाई है आपने वीडियो में देखा, ये इस तरह की आज पहली दफा डिश बनाई है। इस तरह की डिश हमने पहली बार दफा बनाई है, अल्लाह की बरकत दे, कबूल करे, शुक्रिया दादा से शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी दुआ भी याद रखना, रोटी पाक भी मैंने नमाज पढ़नी, नमाज पढ़ने के बाद खाना खाऊंगा। रहकर रोटी का हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो वीडियो का क्लिप उसमें डाल दीजिए। दरअसल नाजरीन हमें सात बजे वीडियो पब्लिक करनी होती है, टाइम बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए बहुत शुक्रिया, दुआ भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।